आप सभी ने ये न्यूज तो सुनी होगी कि उत्तर कोरिया कई सालों से हाइड्रोजन बॉम्ब पे परीक्षण कर रहा है, और ये न्यूज सुनते ही आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है और ये जापान में फेंके गए परमाणु बॉम्ब से कैसे अलग है। तो आइए आज इसी सवाल के जवाब की खोज करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब और परमाणु बॉम्ब के बीच का फर्क समझना है तो हमें सबसे पहले इनमें होने वाली प्रक्रियाओं को समझना होगा, जो 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे वो परमाणु बॉम्ब थे, जिन्हें प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के फिजिसिस्ट ने बनाया था। ये परमाणु बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन नाम की प्रक्रिया पे काम करते हैं। फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी तत्वों के न्यूक्लियस को और छोटे न्यूक्लियस में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम से जो विभाजन होता है वो न्यूट्रॉन्स मुक्त करता है और ये न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस को विभाजित करते हैं, जिससे एक श्रृंखला प्रक्रिया का निर्माण होता है। इस श्रृंखला प्रक्रिया के अंत में यूरेनियम और प्लूटोनियम का काफी कम द्रव्यमान रह जाता है। बाप के मन में सवाल आएगा कि वो बाकी का द्रव्यमान कहाँ चला गया। अब इसका जवाब आइंस्टीन की इस इक्वेशन में है, E is equal to mc square, जिसका मतलब है कि छोटे से द्रव्यमान में से भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा पाई जा सकती है। पर ये पुराने वाले परमाणु बॉम्ब में यूरेनियम 235 पूरी तरह से विभाजित नहीं होता था। इसी कमी को पूरा करने के लिए एडवर्ड टेलर और उलम ने बनाया परमाणु बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में विस्फोट की प्रक्रिया तो परमाणु बॉम्ब जैसी ही है, बस दो तत्व और जुड़ जाते हैं फ्यूजन प्रक्रिया के लिए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्टेबल आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम भी हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन है। इन दो आइसोटोप के टकराने से हीलियम तत्व बनता है। इस प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं और ऐसी ही प्रक्रिया हमारे सूर्य के कोर में होती है। पर इस प्रक्रिया को चालू होने के लिए 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। अब परमाणु बॉम्ब फटने से जो एक्सरे निकलती है वो काफी है हाइड्रोजन बॉम्ब की इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, क्योंकि वो प्रकाश की गति से फैलती है तो बॉम्ब फटने से पहले ये प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी, यानी फ्यूजन प्रक्रिया से और न्यूट्रॉन पैदा होगी जो फिजन प्रक्रिया को करने में हेल्प करेंगे। और यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉम्ब के कोर के ऊपर और यूरेनियम 235 लगाया जाता है, जिससे ये प्रक्रिया फ्यूजन से फिजन और फिजन से फ्यूजन चलती रहेगी और ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। यानी अगर हम अपने मुख्य सवाल पर आए तो उसका जवाब होगा कि एटॉमिक बॉम्ब फिजन पे काम करता है और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन और फिजन दोनों पे काम करता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब परमाणु बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उसकी 7 परतें बनाकर उसे मिसाइल में भरकर छोड़ा जाता है। और मेरा यकीन मानिए, ये हाइड्रोजन बॉम्ब एक पूरे शहर को उड़ाने के लिए काफी होता है। अब शहर या देश जो भी हो खत्म हो जाए, पर एक चीज कभी खत्म नहीं होगी, वो है मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन।